देखिए, ये महाराणा प्रताप जी की धरती है। उनके साथ गाड़िया लोहारों ने एक शपथ लिया था ली थी कि जब तक चित्तौड़गढ़ आजाद नहीं होगा तब तक किले में प्रवेश नहीं करेंगे। मालूम है आपको ये कहानी? तो प्रवेश कब किया इन्होंने, कौन बताएगा? पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मणिकलाल वर्मा जी के साथ किले में इनके साथ प्रवेश किया जब भारत आजाद हुआ तब। तो ये जो आपकी परंपराएं हैं, किसी ने शपथ लिया कि किले में कभी नहीं जाएंगे, एक पूरे कौम ने, जब तक आजादी नहीं होगी। महाराणा प्रताप जैसे शख्सियत जो लड़े अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, आपके पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, हमारे पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई लड़ी। किस लिए लड़ी, कौन बताएगा? किस लिए लड़ी? अपने लिए लड़ी, देशवासियों के लिए लड़ी, देशवासियों की आजादी के लिए लड़ी। गांधी जी क्या कहते थे? गांधी जी कहते थे कि तब तक ये देश पूरी तरह से आजाद नहीं होगा जब तक ग्राम स्वराज नहीं होगा। ग्राम स्वराज का मतलब है जब तक गांव मजबूत नहीं होगा, जब तक गांव सशक्त नहीं होगा, जब तक एक एक देशवासी को सशक्त नहीं करेंगे, गांव से लेकर शहर तक हर जगह सबको आजादी में का एहसास होना चाहिए और सब सशक्त होने चाहिए।